की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार को बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। नासिक रोड स्टेशन पर शनिवार सुबह मुंबई जा रही शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस की एक पार्सल वैन में अचानक आग लग गई, जिस पर तत्काल काबू पाया गया। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर शनिवार सुबह मुंबई जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की पार्सल डब्बे में आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि शालीमार और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन के बीच चलने वाली ट्रेन के इंजन की अगली बोगी पार्सल वैन में सुबह करीब 8:45 पर आग लग गई। दमकल की गाड़ियां और अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। इसके साथ ही पार्सल वैन को अन्य डिब्बों से अलग किया गया। नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर शालीमार से एलटीटी जाने वाली ट्रेन नंबर 18030 जब 8:43 को स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई, तो उसमें जो पार्सल वैन रहता है जिसमें कोई यात्री ट्रैवल नहीं करता, उस पार्सल वैन में हमारे स्टाफ ने इमीडिएटली जो है फायर नोटिस करने के बाद जितने हमारे रिसोर्सेस है या फायर टेंडर्स है उनको कॉल किया। अभी फायर पर काबू पाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की हताहत नहीं, किसी भी प्रकार की जो है इंजुरी किसी भी यात्री या व्यक्ति को नहीं।